Dear children, today I will teach you second poem. The name of this poem is The True Beauty. This poem is composed by Thomas Carew. Thomas Carew was a famous English poet. He was born in 1598 and died in 1638. In this poem, the poet describes the difference between the physical and spiritual beauty. There are two types of beauties. One is physical beauty, the other spiritual beauty. Physical beauty means physical feature, beauty of eyes, beauty of cheeks, beauty of etc. The poet says that physical beauty is not the real beauty. It decays when old age comes. Therefore, it cannot inspire true and even lasting love. Therefore, we should not be misled by physical beauty. Physical beauty is a 9 days wonder. On the other, in the second stanza, the poet describes the spiritual beauty, which is the real beauty. Spiritual beauty means the qualities of end at heart. Therefore, a person who loves a woman for her physical beauty will find his love even lasting. Okay. Now is 30. He that loves rosy cheek or poorer lips admires, or from stern like eyes that seek for to maintain his fires, as old time decay, so his flame must waste away. But a smooth and steadfast mind, gentle thoughts and calm desires, heart with equal love combined, kindle never dying fires where these are not. I despise the rosy cheek, poorer lips or eyes. In the first stanza, the poet says, he that loves a rosy cheek, वो आदमी, he means वो, that loves, जो प्यार करता है, रोज़ दिन गुलाब जैसे गालों, यानी वो आदमी जो किसी अपने प्रेमिका को, लड़की को, ये औरत को इसलिए प्यार करता है, जो गुलाब जैसे गाल है, और कोरल लिप्स, कोरल लिप्स मूंगा कहते हैं, तरह का पत्थर होता है, जो लाल होता है, ये उसके मूंगा जैसे, कोरल लिप्स एडमायर्स, ये उसके मूंगा जैसे होठों की तारीफ करता है, और फ्रॉम स्टार लाइक आइज, या उसकी प्रेमिका के तारों जैसी आंखें हैं, उन आंखों से क्या लेता है, सीख भी तलाशता है, फिर मीन इधर टू मेंटेन हिज फायर, मेंटेन बनाए रखना फायर, अपने प्यार की आग को बनाए, अपने प्यार की आग को, यानी प्यार की भावनाओं को बनाए रखने के लिए उससे प्रेरणा लेता है, होता है क्या, उसका नतीजा क्या होता है, एज ओल्ड टाइम मीन ओल्ड एज मेक दिस डिके, बुढ़ापा जो है वो चीजों क्या कर देता है, डिके मीन उनका पतन नष्ट कर देता है, बुढ़ापा जो है इन शरीर सुंदरता को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, सो हिज फ्लेम मस्ट वेस्ट, इसलिए उसके प्यार की मशाल जो है, प्यार की भावनाएं जो है वो भी क्या वेस्ट अवे, वो भी नष्ट हो जाती है। इस स्टंजा में कवि कह रहा है कोई आदमी किसी औरत को इसलिए पसंद करता है, उससे इसलिए प्यार करता है कि उसके गुलाब जैसे गाल हैं, या उसके मुँह जैसे लाल ओठ हैं, या तारों जैसी चमकीली आँखें हैं, जिससे उसे प्यार के लिए प्रेरणा मिलेगी। जब बुढ़ापा आता है तो चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, इस वजह से उसके प्यार की भावनाएं जो हैं वो भी नष्ट हो जाती हैं। द पोएट सेज दैट ए मैन हु लव्स ए वूमेन फॉर हर फिजिकल फीचर्स सच एज रोज लाइक चीक्स, कोरल लिप्स और ब्राइट आईज लाइक स्टार्स विच इंस्पायर हिम टू लव हर will find his passions of love declining very soon. These physical charms decay when old age comes, and so the love which derives inspiration from them also declines. In the second stanza, the poet describes the spiritual beauty. But a smooth and steadfast mind, smooth means hamesha ek sa rehne wala, steadfast means dhrad, mind. लेकिन अगर कोई आदमी किसी औरत को इसलिए प्यार करता है कि उसका दृढ़ दिमाग है, दृढ़ इरादे वाला है, पक्के दिमाग इरादे वाला है, जेंटिल थॉट्स, गुड थॉट्स, जेंटिल अच्छे, उसके अच्छे विचार हैं,
काम डिजायर, डिजायर में इच्छाएं, और वो अपनी इच्छाओं से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। शांतिपूर्ण उसकी इच्छाएं ऐसी हैं जिससे वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। हार्ट विद इक्वल लव कंबाइंड, और उसके दिल में सबके लिए बराबर मात्रा में प्यार है। विल किंडल नेवर डाइंग फायर्स, किंडल में जलाएगा, जागृत करेगा, नेवर डाइंग, कभी ना खत्म होने वाली, कभी ना बुझने वाली फायर, वो ऐसी प्यार की आग को जलाएगा जो कभी खत्म नहीं करेगा, वो ऐसी प्यार की भावनाओं को प्रेरित करेगा जो भावनाएं कभी समाप्त नहीं होगी। वेयर दीज आर नॉट, कभी कह रहे हैं जिस औरत के अंदर ये गुण नहीं है। आई डिस्पाइज, डिस्पाइज भी नफरत, मुझसे नफरत, मैं नफरत करता हूँ लवली चीक, उन सुंदर गालों से, लिप्स आर लिप्स या ओठों से, आर आई या आँखों से, उन सुंदर गालों से, ओठों से या आँखों से मैं कभी नफरत करता है जिसके अंदर स्पिरिचुअल ब्यूटी नहीं है। पोएट कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि स्पिरिचुअल ब्यूटी तभी महत्वपूर्ण है जब उसके साथ साथ फिजिकल ब्यूटी तभी महत्वपूर्ण है जब उसके साथ स्पिरिचुअल ब्यूटी है। बगैर फिजिकल ब्यूटी के, बगैर स्पिरिचुअल ब्यूटी के फिजिकल ब्यूटी, यहाँ पर पोएट जो है वो कह रहा है, अगर स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में बतला रहा है कि अगर कोई आदमी किसी और को इसलिए पसंद करता है कि उसके वो पक्के इरादे वाली है, उसके अच्छे विचार हैं, और उस वो अपनी इच्छाओं से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, और उसके दिल में सबके लिए प्यार है, तो उस आदमी का प्यार सच्चा प्यार होगा, क्योंकि ये गुण समय के साथ साथ खत्म नहीं होते हैं बल्कि बढ़ते रहते हैं। इसलिए पोएट जो है उस औरत से नफरत करता है जिसके अंदर केवल शरीर सुंदरता है, कहने वो जिसके सिर्फ गाल अच्छा है, आँखें सुंदर हैं, या पोएट कहने पोएट कहता है कि स्पिरिचुअल ब्यूटी के बिना फिजिकल ब्यूटी बिल्कुल बेकार है। इन दिस स्टैंजा द पोएट सेज दैट ए मैन हु लव्स ए वूमेन फॉर हर स्पिरिचुअल सच एज फर्म डिटर्मिनेशन, गुड थॉट्स एंड हार्मनी डिजायर्स, एंड बिकॉज ऑफ हर हार्ट विच इज फुल ऑफ लव फॉर एवरीवन will find his passions of the never declining. These spiritual charms do not decay with the passage of time. Therefore, the love which drives inspiration from them goes on increasing day by day. That's all.